हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग जोगेल ज्योति एंड दिस इज मी ज्योति शर्मा। इफ यू फाउंड द वन यू शुड नेवर गिव हर अप, आई थिंक इट्स द वे लाइफ चेंजेस व्हेन इन लव। या आई सराउंड माय सोल विद द पॉजिटिविटी, दैट्स व्हाई आई डोंट वरी। आज है हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो आज आई हैव टू गो टू कॉलेज लाइक आई टोल्ड यू इन माय लास्ट व्लॉग, बिकॉज यू नो वी हैव सम कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन कॉलेज, ये वो, and I have to host the whole event and stuff, so looking forward for the day, so let's get started. कॉलेज तो आ गया, बट मुझे एक चीज लगता है, वो जो टेस्टिंग वेस्टिंग कहते हैं ना, दे चेक योर टेम्परेचर, मुझे समझ नहीं आता है कि उसमें पता वता चलता नहीं, बस ऐसे क्या देखा भी नहीं कि हुआ है टेम्परेचर या है कि नहीं, बस जाओ निकल लो। इवेंट शुरू होने वाली थी 11 बजे और बज गए ऑलमोस्ट 11:30 और अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड बट लेट्स सी। ओए अभी इवेंट का हो गया है एंड अभी मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, बिकॉज मेरे कॉलेज की एक मैम है, शी इज कॉलिंग मी कि कॉलेज आने के लिए, आके मिलने के लिए, मतलब मैं जानती भी नहीं उनको, तो लेट्स सी आई एम गोना गो टू कॉलेज। और बहुत भसड़ हुई भाई, बहुत भसड़ हुई, आई जस्ट एक्सप्लेन, पर मैंने एक बार मिल लूँ एंड सुबह से कुछ खाया नहीं, एकदम हंगरी, सो गोना ईट नाउ। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महिला, प्रभु ने हमें है, सो हम जैसा तो कोई नहीं है एंड हम इसी अपनी कैपेसिटीज और अपने इसी नरेटिव को हमें समझना है, एक्सेप्ट करना है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि खाली पब्लिक नहीं, हम यहाँ पे देवर हैविंग सम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और समथिंग, और पूरे सेमिनार हॉल में लाइट ही चली गई, एंड आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियो। से पूरा अंधेरा सा था और उनके तरफ विंडोज थी, थोड़ी लाइट्स आ रही थी, बट जैसे इन्होंने ये खत्म किया वैसे ही लाइट आ सी गई थी वापस से। That's why said the Jayashankar Prasad very in the Kamehi. We are done with our full final thing, और अभी हमें फिर से invitation मिला, किस चीज के लिए? हमें बुलाया गया है tea time के लिए, you know. Tea time, special tea time with Women's Day celebration के लिए. I'll just show you.
I don't know whether you can see, you know, the whole feast thing is there for us. Whole feast is there. So we were told that you should not go, you should come. So और मैंने तो सुना भी नहीं. She said, "Didi, हमें चलना है." I was like, "Okay." Perks of being a host. Bye. हमने खुद खुद की फोटोज ले ली है टीचर्स के साथ. और अभी हालत बहुत ऐसी सी है कि सारे टीचर्स ऐसा फोटो सेशन से चल रही थी. जस्ट शो यू द भीड़. यहाँ पे ये मैम एंड यू नो शी लाइक आस्क मी यू कैन टेक माय पिक्चर. तो मैंने इनकी पिक्चर निकाले. जितना भरना है क्योंकि खा तो आप पाओगे नहीं तो भर फिर भी लो. सो वी आर ऑलमोस्ट डन एंड नाउ वी आर गोइंग बैक. और वी गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ बोलो. लव एंड मतलब लिटरली ऐसा हुआ कि इस पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे दूसरे ब्लॉक का डिपार्टमेंट के कोई सर आ जा दूसरे ब्लॉक का डिपार्टमेंट के फैकल्टीज मेंबर जो हेड है दे वर लाइक रियली अप्रिशिएटिव एंड यू नो दे वर लाइक यू नो यू आर सो so sweet. Extremely exhausted but मतलब वो love and respect we got it was awesome. मतलब वो hospitality देख के ऐसा सा लगा ना कि मतलब वो मैम मतलब वो टीचर होके यू नो शी वॉज द हेड एंड शी वॉज आस्किंग अस कि बेटा खाना खा लो कॉफी पी लो चाय पी लो यू नो ये वो कि तुम इतने प्यारे बच्चे हो कि ऑब्वियसली तुमसे कि तुमसे प्यार हो जाएगा किसी को ये हो. एंड दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे यार. लाइक दैट वॉज सो 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 स्वीट. Being appreciated for what you do is the best. That is all that counts. Ha, that's the best reward you can get. And signing off. So I reached home और अभी मैं बाहर ही बैठी हूँ. रूम भी नहीं गई क्योंकि बहुत से थक सी गई मैं. मतलब यू नो व्हाइल आई वाज होस्टिंग सुबह से ऐसे खरे खरे मतलब हाँ बैठी ऐसा नहीं कि नहीं बैठी करके बट बैठा बट बहुत ज्यादा ऐसे थकान सी हो रही है. बट यू नो दस वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट से is that never miss an opportunity, you know. अगर बहुत बार ऐसा होता है जैसे हमें भी लगता है इनफैक्ट मुझे भी लगता है कभी कोई किसी ने कुछ कहने बोल दिया कि यू नो कैन यू जस्ट डू इट एंड ऑल दैट तो वी आर लाइक ओ नो या जबकि ऐसा नहीं हुआ कि हम बिजी होंगे बट स्टिल वी चूज नॉट टू डू इट. एंड मुझे लगता है वैसे मोमेंट्स ही होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं यू नो एंड वी मिस इट. जैसे मेरे साथ हुआ यू नो जब मुझे से आज के लिए बताया गया था यू नो दैट आई हैव आई शुड डू इट द एंकरिंग एंड ऑल बट आई वाज लाइक यार आई एम वेरी टायर्ड लाइक पूरा दिन बीत जाएगा और मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है तो आई वाज लाइक यार मतलब ऐसे टायर्ड हो जाएंगे कुछ हो नहीं पाएगा ये वो दिस दैट बट आई थॉट लेट्स डू इट यू नो. मतलब ऐसे लास्ट ईयर है कॉलेज का यू नेवर नो यू नो व्हाट विल हैपन व्हाट नॉट सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड मैं बता नहीं सकती मतलब मैं बहुत थकी हुई हूँ वापस आके बट आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि हाउ हैप्पी आई एम. मतलब शिकन नहीं है मेरे चेहरे पे. मतलब बहुत बहुत ग्रेटफुल सा फील हो रहा है दैट यू नो आई गॉट टू होस्ट द इवेंट. यू नो इतने ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी आए थे मतलब ऐसे एक बड़े पैमाने पर भी हुआ यू नो लाइक सो मैनी अथॉरिटीज वर देयर एंड आई वॉज देयर स्पीकिंग लाइक दैट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग मैन. मतलब आई डोंट नो सो आई डोंट नो मतलब बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही हूँ बट इट्स सो 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 लाइक फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. आई डिड इट एंड इफ एनी वन ऑफ यू लाइक वॉचिंग दिस व्लॉग फीलिंग डीमोटिवेटेड तो उनके लिए बस कहना चाहती हूँ कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट डोंट मिस ऑन इट बिकॉज यू नेवर नो दैट माइट बी द डे व्हेन यू शाइन. बिकॉज आज ऐसा हुआ बहुत ऐसे टीचर्स थे यू नो जिनको मैं नहीं जानती हूँ या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं जिनको मिला नहीं मैंने कभी. मतलब और टीचर्स हैं जिनको मैं
मैंने देखी भी नहीं, आई एम गेटिंग कॉल एंड यू नो कि लाइक ज्योति कैन यू डू दिस डू दैट एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई वाज लाइक डूड आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं अपने आप पे उतना है, लेकिन दे आर इन टू इट, लाइक हाँ आई कैन डू इट. सम रैंडम टीचर्स कमिंग लाइक ओ यू आर ज्योति एंड आई नो ये वो, सो इट फील सो 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 ग्रेट एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड जस्ट हैप्पी. ऑलमोस्ट डन, लाइक आई हैव डन एवरीथिंग नाउ. मेरी आवाज़ भी एकदम ऐसी सी पहाड़ी सी हो गई है, चेंज वेंज भी कर लिया, डिनर कर लिया एंड नाउ इट्स हाई टाइम. आई थिंक आई विल टेक अ नाइस गुड नाइट स्लीप. सो इन केस इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड हैवन सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. अगर आपको मुझे कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ जोवेल ज्योति, एंड यू कैन डीएम मी देयर एनी फीडबैक्स और एनीथिंग यू वांट टू सी. सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, ज़रूरत नहीं हो तो बाहर मत जाओ. बाय.